नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हाँ, बड़ी अपडेट सामने आ रही है पीटीटी 2024 को लेकर। कल यहाँ पर अलॉटमेंट जारी हुआ, इसके बाद से बहुत से सवाल यहाँ पर विद्यार्थियों के छूट गए हैं जिनके कॉलेज यहाँ पर अलॉट नहीं हुआ है। और लगातार यह सवाल आ रहा था कि कितनी सीटें खाली हैं, कितने लोगों का अब आने वाले समय में हो जाएगा, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बीएड हमारी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी राजस्थान से। इन सभी चीज़ों के सवाल आज यहाँ पर देने वाला हूँ जवाब। और दूसरी बात, यहाँ पर ध्यान रखिए भैया, कितनी सीटें यहाँ पर खाली हैं अभी और थर्ड लिस्ट आएगी या नहीं, इसके बारे में भी अपडेट आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। एक जगह तो ऐसा है कि जहाँ पर सीटें ही सीटें खाली हैं, एक जगह ऐसी है जहाँ पर सीटें खाली ही नहीं है, यानी कि बीएड जो आपकी होती है 2 ईयर और 4 ईयर होती है, तो 2 ईयर में सीटें खाली नहीं है। लेकिन बात करें 4 ईयर की, बात करें तो 4 ईयर में सीटें इतनी खाली हैं कि आप भरना चाहेंगे तो भी नहीं भर पाएंगी। पकड़ पकड़ के अगर बिठाएंगे कि बीएड कर लो तो भैया तो भी नहीं बैठ पाएंगे, इतना यहाँ पर बोर्ड को भरोसा हो चुका है। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर पीटीटी 2024 को लेकर क्या अपडेट है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और आने वाले समय में 2 ईयर और 4 ईयर बीएड की कितनी क्या सीटें खाली हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। जो सवाल बने हुए सारे यहाँ पर देखने को मिलेंगे वीडियो में, वीडियो को अंत तक देखना। आने वाले समय में एक जरूरी अपडेट ये है भैया, आप काफ़ी समय से लगातार मेरे से जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम बंद होने की सूचना है, हो सकता है ऐसी संभावनाएं हैं, हो या ना हो वो बाद की बातें, लेकिन उससे पहले आपको तैयारी क्या करनी है, व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करना है, जिससे कि आने वाले समय में हम साथ में बने रहें और लगातार अपडेट्स आपको देखने को मिले। हालांकि टेलीग्राम जितनी सुविधाएं व्हाट्सअप दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, ये बड़े सवाल यहाँ पर देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी हमें तो तैयारी करनी है उस हिसाब से कि भी साथ में हम बने रहें, लगातार नोटिफिकेशन आपको देखने को मिले। इसलिए ज़रूर टेलीग्राम की बजाय आप यहाँ पर व्हाट्सअप भी ज्वाइन कर लेंगे, जिससे अगर बंद हो तो भी आपके पास में एक ऑप्शन हमारे साथ जुड़े रहने का रहे। तो ध्यान रहे, लिंक आपको अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है व्हाट्सअप चैनल का, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। बात करते हैं यहाँ पर पीटीटी 2024 से रिलेटेड अपडेट्स के बारे में। देखो भैया, पीटीटी 2024 में क्या हुआ, पहले फर्स्ट काउंसलिंग हुई, एक बार समझा देता हूँ आपको अच्छे तरीके से, कल भी काफ़ी विद्यार्थी परेशान हो रहे थे। इसके बाद में क्या हुआ, रीचॉइस हुआ। इसके बाद में क्या हुआ, सेकंड राउंड हुआ, ठीक है। इसका अलॉटमेंट आया, इसका अलॉटमेंट आया, इसका भी अलॉटमेंट कल देखने को मिल गया। अब जिसको कॉलेज मिल चुका है अपने फीस वाली प्रोसेस, रिपोर्टिंग वाली प्रोसेस, वो लोग करेंगे। जिन्होंने पहले फीस जमा करवा रखी थी उनको केवल रिपोर्टिंग करना, ये प्रोसेस यहाँ पर समझाया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, वीडियो डाले हुए लगातार जब भी नोटिस आता है तब। लेकिन बात करें वे विद्यार्थी जिनको कॉलेज नहीं मिला है, सवाल निकल के आता है यहाँ से, क्या उनको कॉलेज मिल पाएगा, तो एक न्यूज़ है जो आपको बहुत विचलित कर सकती है, मैं ये कहूँ 2 ईयर बीएड वाले विद्यार्थियों को, क्योंकि आपकी उम्मीदों पे यहाँ पर थोड़ा सा, मतलब ये कहूँ कि कहीं ना कहीं निराशा आपको हाथ लगेगी भैया। यहाँ पर अपडेट आपको देखने को मिलेगी भैया पीटीटी 2024 की तरफ से, 2 ईयर बीएड वाले विद्यार्थियों की बात हम करें, फोटो क्यों नहीं आ रहा यार, चलो हम व्हाट्सएप से ओपन करेंगे इसको फिर, तो ऑप्शन तो यही है। चलो यहां से ओपन करते हैं भैया, व्हाट्सएप पे लिख के चलते हैं सीधे, ये रहा। देख लो भैया क्या लिखा हुआ है। हाँ तो भैया, हम बात कर रहे थे यहां पर पीटीटी 2 ईयर बीएड और 4 ईयर बीएड वालों के बारे में। तो देखो इंफॉर्मेशन क्या है भैया, यहां पर बीए बीएड में 967 सीटें खाली हैं, बीएससी बीएड में 4640 सीटें खाली हैं, ये भरना थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है। दूसरा बात करूं 2 ईयर बीएड की, तो 2 ईयर बीएड में आप जब सीटों का आंकड़ा देखेंगे कितनी खाली है, तो आपको बिल्कुल निराशा हो जाएगी। ये देखो, 2 वर्षे में 107,579 सीटें भर चुकी हैं, केवल 51 सीट खाली है। अब ये जो 51 सीटें खाली हैं, ऐसा तो है नहीं कि भैया किसी एक कॉलेज में खाली हो, किसी में एक में, किसी कॉलेज में एक खाली हो, किसी में 0, किसी में 2, किसी में 5, इस तरीके से खाली हो के पूरे राजस्थान की मिला के मात्र 51 सीटें खाली हैं। अब यहाँ पे थर्ड लिस्ट आना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, और ये क्या है कि कैटेगरी वाइज खाली होंगी, हो सकता है फिजिकल हैंडीकेप कैटेगरी से रिलेटेड कुछ सीटें खाली हों, या फिर और भी ऐसे कैटेगरीज होती हैं जिनके तहत सीटें खाली आपको देखने को मिले, तो यहाँ पर तो लिस्ट आने वाले समय में थोड़ा सा मुश्किल देखने को लग रहा है, क्योंकि 51 सीटों पे तो क्या खाली ही छूटेंगी, वो लगभग लगभग इतना सा है। देखो यहाँ पे क्या कहा, हालांकि रिपोर्टिंग के बाद में कुछ सीटें खाली हो जाएंगी, इसके बावजूद इस साल केवल 2 राउंड काउंसिलिंग के बाद में ही अधिकांश सीटें भरना कीर्तिमान में शुमार हो गया है। तो अभी देखो जैसे भी सेकेंड राउंड अलॉटमेंट आया, क्या पता कुछ लोग नहीं करें, तो हो सकता है कि भाई 50-60-100 सीटें और खाली हो जाएं, तो 100-150 सीटें हो जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी होंगी, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली।
तो यहां पर तो अगले सीट पर अगली जो लिस्ट है उसमें संशय बना हुआ है, मुश्किल लग रहा है कि आगे कोई लिस्ट है। हालांकि ये होता है कि भाई जब तक सीटें ना भरी जाएं तब तक लिस्टें आती है, लेकिन 100-150 पे भी लिस्ट आ पाएगी या नहीं आ पाएगी या देखने वाली बात होगी, तो इसके लिए थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, पीटीटी में 2 वर्षीय बीएड में 100% सीटें भर चुकी है, यानी इन्होंने तो मान लिया कि 100% सीटें भर चुकी है, 2 ईयर बीएड पे हम कोई काम अपडेट नहीं करने वाले। 4 वर्षीय बीएड में सीटें जरूर खाली हैं, रिपोर्टिंग के बाद खाली सीटों पर निर्णय लेंगे, यानी कि 4 ईयर बीएड वालों को लेकर ये चिंतित हैं कि इतनी सीटें खाली रह गई हैं 4 ईयर बीएड में। तो आने वाले समय में थर्ड राउंड जो होगा वो यहां पर देखने को मिल सकता है, किस पे, 4 ईयर बीएड वालों के लिए। तो 2 ईयर बीएड वाले विद्यार्थी थोड़ा सा मतलब कि समझिए भैया कि यहां पर इस साल आपका राजस्थान से जो बीएड का ऑप्शन है वो लगभग लगभग खत्म होने वाला है, क्योंकि पीटीटी में अब सीटें खाली नहीं बची हैं। तो अब अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो और कहीं से आपको करना पड़ेगा। तो ये अपडेट लगातार आपको देखने को मिल रही थी पीटीटी से, या जब भी नोटिफिकेशन आया तब से लगातार मैं आपके साथ बना हुआ हूँ, जितनी भी अपडेट्स आई सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, और अभी भी यह भी अपडेट थोड़ी सी निराशा जरूर है, लेकिन क्या करें, अब भरेंगी कब तो भरेंगी सीटें, तो ऐसा तो है नहीं कि भी 5 लाख 6 लाख जो एग्जाम देते हैं वो सारे यहाँ पर एडमिशन मिल जाए। लेकिन देखो 5 लाख में से लगभग 1 लाख लोगों को ये सीटें मिलना पॉसिबल थी, और यहाँ पर लगभग लगभग 2 ईयर बीएड में अब ये तो राजी हो रहे हैं, लेकिन इनको राजी होने एक तरीके से मैं कहूँ कि इनका होना नहीं चाहिए। बताऊँ क्यों, क्योंकि इनकी भैया इन्होंने अपवार्ड मोमेंट नहीं लगाया, अगर अपवार्ड मोमेंट लगा देते तो सीधी सी बात है और सीटें यहाँ पर खाली रहती, लेकिन इन्होंने क्या बाउंडेशन के चलते यहाँ पर लगभग लगभग सीटों को भरवा लिया है। ये बड़ा यहाँ पर वीएमओयू ने इस बार खेल खेला कि सीटें भरनी चाहिए और सीटें यहाँ पर बढ़ दी। तो भैया ये पीटीटी से रिलेटेड अपडेट थी, मैंने आपको बता दिया खाली सीटों से रिलेटेड, बीएससी बीएड में सीटें अब नहीं भर पाएंगी, और ये बीएड वाली जो अपडेट थी मैंने आपको दे दी है। तो यहाँ पर जितने भी सवाल थे उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। थर्ड लिस्ट आएगी क्या, तो यह है देखो भैया 4 ईयर वालों पर आना संभावित है, ठीक है, 2 ईयर पे बिल्कुल भी चांस नहीं लग रहे हैं। कितनी सीटें खाली हैं, लगभग 51 तो 2 ईयर में खाली है, और उसमें तो भैया 5000 के आसपास सीटें खाली हैं 4 ईयर में, है ना। तो ये अपडेट थी आपके लिए, आने वाले समय में जो भी अपडेट रहेंगे, अब 4 ईयर वालों का क्या अपडेट रहेगा इसके बारे में भी बात करेंगे, और 2 ईयर वाले विद्यार्थी जो एक तरीके से कहूं कि आने वाले समय में सोच रहे हैं कि हम बीएड ही करेंगे, तो एक बार कमेंट करना कि बीएड करना चाहते हैं, फिर उसके बाद में अदर स्टेट वगैरह के ऑप्शन भी मैं आपको यहां पर वीडियो आने वाले समय में बेस्ट वीडियो विद बेस्ट इंस्टीट्यूट आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो अपडेट रहेंगे पीटीटी 2024 को लेकर, आने वाले समय में लगातार बने रहेंगे, निराशा नहीं होना है, बीएड यहां से नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, और कहीं से हम ऑप्शन देख लेंगे। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई सवाल हो तो सीधा इंस्टाग्राम टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से करेंगे। जरूर ध्यान रखिए टेलीग्राम चैनल बंद होने की संभावना है, इसलिए पहले ही मैं कह रहा हूं भैया व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें, जिससे लगातार अपडेट्स आपको देखने को मिले, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।